मेरे बारे में जो भी कहा जा रहा है, उन्होंने भैया ने कहा या और भाइयों ने जो कहा, उसको अपने मन से थोड़ा कम कर दीजिएगा। बहुत गर्मी लग रही है लोगों को, लग रही है ना? अभी अगर डीजे बजा दिया जाए तो किसी को गर्मी नहीं लगेगी, सब नाचेंगे पसीना पसीना, तरो पंखा नहीं खोलेंगे, नहीं? हाँ, ये ज्यादातर लोगों को नहीं लग रही है। आप कभी यहाँ सुबह से बैठे हैं? ये मोरू बाबू ने सही कहा कि उसको हाईजैक कर लिया गया। एक्चुअली रात में बात हुई, एक्चुअली आज पटना में हम लोगों ने रखा था साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, रात में मोरू बाबू से बात हुई मेरी 15 दिन 20 दिन पहले, और सुबह हमने देखा कि तरह तरह के ग्रुप में जो है उनके साथ मेरी तस्वीरें घूम रही है कि मुझे आपके बीच आना है, तो आ गई हूँ आपके बीच। महादेव की बात करने को, साहब दीदी की बात करने को, ज्यादा सब कुछ आता नहीं है, जो भी सीखा है साहब दीदी से ही सीखा है और महादेव ने सिखाया है, आपको भी वही सिखा रहे हैं, मुझे भी वही सिखा रहे हैं, लोगों को भी वही सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु वही है तो ज्ञान वही देंगे, बुद्धि वही देंगे, समझ वही देंगे। गुरु तो शिव है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जो कोई नया है हमारे आपके बीच, ये वही शिव है जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, तस्वीरों में कभी शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्ति में, चौक चौराहों पर, गली में, मंदिरों में, शिवालयों में। कोई नए शिव को ला करके साहब ने हमारे आपके बीच नहीं रखा है, साहब ने उसी शिव को रखा है जिससे हम आप मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बाल बच्चा मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, और वो देते भी हैं, पर जो सबसे जरूरी चीज है वो नहीं मांगते उनके उस रूप से कि वो ज्ञान भी देते हैं। वो गुरुओं के गुरु है, ज्ञान के निधि अगम है, और हम उनसे ज्ञान नहीं मांगते, सब कुछ मांग लेते हैं। जो चीजें यहाँ रह जाएंगी, हम लोग चले जाएंगे, चीजें यहाँ रह जाती है, हम लोग सब कुछ मांगते हैं जो यहाँ छूट जाएगा, और जो हमारे आपके साथ जाएगा वो नहीं मांगते हैं, वो उस परमात्मा की समझ, वो शिव की समझ वो नहीं मांग पाते। तो साहब ने कहा जिससे सब कुछ मांगते हो उससे ज्ञान भी मांगो, वो सब कुछ देता है और ज्ञान भी देता है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं देता है और बाकी चीजें देता है, क्योंकि यही शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें, हमारे जो किताबें हैं हमारी आपकी, सब कहती है कि शिव जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है, पुराधिपति है, विश्व गुरु का, दुनिया का गुरु कहा गया है उनको। जितनी भी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं ज्ञान की, शिक्षा की, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, निधि अगम है, मतलब सोचिए कि ज्ञान के निधि, मतलब उनसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है, सब कुछ को मिला दीजिएगा तो भी उनके ज्ञान के बराबर कुछ नहीं हो सकता। तो साहब ने कहा कि उनके उस रूप से हम आप क्यों अछूते हैं, हम आप उनसे ज्ञान क्यों नहीं मांगते, बुद्धि क्यों नहीं मांगते, दया क्यों नहीं मांगते, और उस गुरु का ज्ञान ही उनकी दया है, उनसे दया मांगिए या उनसे बुद्धि समझ प्रेम मांगिए, एक ही बात है। इसके लिए साहब ने कहा, साहब कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर साहब की अंतिम शिव चर्चा अगर आप और आप लोगों ने सुनी होगी तो साहब का समझा होगा, सुना होगा, उसको सुनना ही नहीं है, उसको समझना है कि साहब किसको कह रहे हैं, तो वो खुद सुनिएगा और समझिएगा कि साहब किसको कहते हैं। तो हम लोगों के साहब ने बताया, शिव को गुरु बनाइए, इनको गुरु बनाने के लिए उन्होंने तीन तरीके दिए हमको और आपको, तीन विधियां दी, तीन सूत्र दिए, जो बहुत ही आसान है, देखने में लगता है ये कठिन है, कुछ करने जैसा है, पर करने जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। शिव शिष्यता प्रेम की विधा है, प्रेम के लिए है, प्रेम पाने के लिए है, प्रेम से है। उसमें उन्होंने पहले सूत्र में कहा कि हे शिव आप मेरे हैं, मेरा शब्द, अभी मोरू व्याख्या कर रहे थे ना, बोलते मेरा शब्द, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। तो जिसको अपना समझिएगा उसका काम भी कर लीजिएगा, अपना संबंध किसी से बन जाता है तो काम भी करते हैं उसका, तो दूसरा सूत्र क्या है, उसका काम ही है। साहब ने कहा है शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए, तो शिव शिष्य बनने के क्रम में दूसरों को समझाना है, दूसरों को समझाने के क्रम में बनना है, दोनों चीजें हैं, एक सर्किल बन जाता है कि बनाने के लिए बनना है और बनने के लिए बनाना है, दोनों चीजें। हम आप किसी को समझाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, उनको
अपना गुरु बना लिए, तो हमारा आपका ध्यान, हमारा आपका मन उतनी देर उस शिव की परिधि में रहता है, भगवान के, भगवान शिव के एक गिर्द घूमता रहता है। सामने वाले को समझाना है, ये एक चहल रहती है, सामने वाले को बताना है हमारे आज के जीवन में जो जो फायदे हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुआ है वो हम आप बताते हैं कि देखिए शिव को गुरु बनाने के बाद मेरे बच्चे को नौकरी लग गई, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरा घर बन गया, जो भी चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हम आप उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं कि वो समझे, वो भी गुरु की ओर चले, महादेव को अपना गुरु बनाए, अपना शिष्य भाव उनको अर्पित करे। और तीसरा, जैसे किसी को अपना समझिएगा तो उसकी बड़ाई कर लीजिएगा, दूसरा सोच उसकी बड़ाई करना है, तीसरा है किसी को अपना समझिएगा तो वो याद आएगा, कोई अपना होता तो याद आता है कि नहीं याद आता है, याद आएगा ही आएगा। तो तीसरा सोच वही है कि 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, हमसे आपसे नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिश करिए। और झगड़ा करते करते फिर साहब ने कहा एक गीत की लाइन है ना कि एक दिन तुमको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, झगड़ा करते करते एक दिन हम आप शिव को प्रणाम कर लेंगे। और साहब ने कहा है कि शिव को अगर एक बार हमारा आपका मन प्रणाम कर ले तो 2-3 जन्म तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि हम लोग तो 108 बार करते रहते हैं, तो ये याद रखिए कि उस शिव को 108 बार प्रणाम किया हम अपने लिए करते हैं या उस शिव के लिए करते हैं। जिस दिन उस शिव के लिए प्रणाम करिएगा, जिस दिन उस शिव को साहब दीदी के लिए प्रणाम करिएगा, आपका प्रणाम वहां तक पहुंचेगा। हम आप तो अपने लिए प्रणाम करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, चीजों के लिए करते हैं, सामान के लिए करते हैं, तो कितनी दूरी तक पहुंचेगा। एक खिलौना आता है बच्चा थोड़ा रबड़ लगा रहता है आसमान में होता है, उसको उछालिएगा तो 10-12 फीट उछलेगा, उससे ज्यादा नहीं उछलेगा। हमारा आपका प्रणाम यही है कि हम लोग जगत के लिए प्रणाम करते हैं, जगत के लिए दया मांगते हैं, कभी साहब दीदी के हिसाब से, साहब दीदी की चाहत से उस शिव से दया मांगिए, उनको प्रणाम करिए, तो भरोसा करिए साहब की बात का, दीदी की बात का, कि फिर दोबारा से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो वो कह रहे हैं वो करिए, वो कह रहे हैं कि आप अपना गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए, तो काम हमको और आपको करना चाहिए। और ये नई बात नहीं है, ये हजारों हजार साल से हम आप करते आ रहे हैं, शिव से बस दया मांग के नहीं आ रहे, पूजा तो उनकी करते ही आ रहे हैं। फायदा बताइए, साहब इस धरती पर आए, उन्होंने हमको और आपको शिव का शिष्य बनने की दिशा और दशा दी, उन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ और इस दिशा में आगे बढ़ो, इस तरीके से शिव के राजमार्ग पर चलो, तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए। हम आप साहब जैसा कह रहे हैं, दीदी माँ जैसा कह रही है, उस दिशा से उस शिव की ओर आगे बढ़े आप कर रहे हैं। ये मुझे मालूम है कि मुझसे बेहतर, हम लोगों से बेहतर काम क्षेत्रों में आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा और बेहतर करना है। आप लोगों को देख करके तो हम लोग सीखते हैं, तो साहब दीदी हमको और आपको सिखाने के लिए है, उनसे सीखते हुए आगे बढ़िए, उनकी बात को आगे लेकर के चलिए, दूसरों को समझाइए कि कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। कोई नई बात नहीं है, वो महादेव है, परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आया है, उसने हमको और आपको बनाया है, सृष्टि का मालिक है, हम आप उसकी रचना है, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस उनका तरीका नया है। किसी ने बताया नहीं कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाए, कैसे उनसे दया मांगी जाए, कैसे उनसे ज्ञान समझ मांगी जाए। किताबें कहती हैं 112 या 122 लोगों की सूची है शिव शिष्यों की, पर किसी ने तरीका नहीं बताया हमको और आपको कि कैसे उस दया निर्वाण को अपना गुरु बनाएंगे, कैसे उनसे दया मांगेंगे, कैसे उनकी ओर चलेंगे। ये साहब ने कहा, ये दीदी ने बताया हमको और आपको कि कैसे महादेव की ओर हम आप चल सकते हैं, उनसे दया मांग सकते हैं, उनसे बुद्धि मांग सकते हैं। देखते हैं वो लोग बता के गए हैं, देखते हैं इतना मोटा चिट्ठा है कि डर लग रहा है, देख लीजिए कोई बात ना जाए ना अपनों के पीछे। चिट्ठा मोटा है ना जिज्ञासा करने के सीता ने भी तुम्हें देव साई से जिज्ञासा करना बहुत सही है। इस श्रृंखली शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है कैसे, शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है कैसे। साहब की पंक्ति देखिए, शिव शिष्यता में हम आप उधार का जीवन जी रहे हैं, ये किसी और का है, इसको संभाल के रखना है,
किसी से उधार लेकर के आते हैं तो सामानों को संभाल के रखते हैं ना, कटोरी में किसी के यहाँ से चीनी और दूध लाते हैं तो कटोरी ध्यान से रखते हैं कि फिर लौटाना होगा। तो शिव शिष्यता में हमारा आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ साहब और दीदी का है। तो ये लाइन उनकी है, तो उत्कर्ष का अर्थ समझ लीजिए। देखिए साहब ने कहा है कि अध्यात्म को भारी भरकम बना दिया गया, हमारी जो किताबें हैं, हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो आध्यात्मिक धार्मिक किताबें हैं, वो इतने बड़े बड़े शब्दों से आते पड़े हैं यार, कि उसमें हमारा परमात्मा खो सा गया है, उसमें हमारे गुरु छूट गए हैं, किताबें हावी हो गई है, वो शब्द हावी हो गए। तो साहब उसको आसान करने की कोशिश करिए, इसीलिए साहब ने कहा है कि अध्यात्म जो है अगर गुरु सही हो तो हवा मिठाई है, रूही का मिठाई है, मुंह में लिखे ही गल जाता है, हवा हो जाता है। उत्कर्ष का अर्थ होता है ऊपर उठना, जो सबसे ऊंचा हो, ऊंचा उठना, हमारा आपका भला होना, विकास होना, ठेठ भाषा में समझिए भला होना। उत्कर्ष का अर्थ है ऊंचाई। तो जब हम आप शिव को गुरु बनाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे ऊंचा क्या होगा, इससे शुभ क्या होगा? अध्यात्म का उत्कर्ष भगवान शिव है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और हिमालय की चोटी पर, हिमालय पर हम आप पहुंच गए हैं, कैलाश पर हम आप पहुंच गए हैं, तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आज आपका उद्देश्य होगा कि श्रोता के इस प्रांगण में चर्चा में आना, जब आप पहुंच गए हैं तो अभी का आपका उद्देश्य तो पूरा हो गया ना। तो उत्कर्ष का अर्थ होता है ऊपर उठना, ऊपर जाना। अध्यात्म ऊपर जाने की चीज है, गुरु सही हो तो आपका और हमारा मन ऊपर जाता है, शिव की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है, और परमात्मा की ओर गुरु ही भेजेंगे, कोई और नहीं भेजेगा हमको। रामनगर खगड़िया से अनुभव सुधर पूछ रही है कि लवली दीदी से जिज्ञासा है, अनमोल आखर आपके द्वारा रचित है, इस रचना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें हमारी जो रचना है, हमारे भाई हैं, कजन है पंकज जी, उन्होंने भी रचा है, हम लोगों ने मिल करके। इसका उद्देश्य बस यही था कि साहब के जीवन को, दीदी माँ के जीवन को लोगों के सामने रखा जाए। इस किताब का नाम ही है अनमोल आखर। अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मेल नहीं हो, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा, कोई गोल कोई चौकोर, इस तरह से। आखर का अर्थ होता है अक्षर। तो साहब दीदी का जीवन भी तो यही है ना। साहब खुद इतने बड़े अफसर के बेटे, खुद इतने बड़े अफसर, और देखिए जब आप उनकी तस्वीरों पर देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा, एक धोती और एक शर्ट में बेचारे रहते थे। हमारी माँ, आपकी माँ दीदी नीलमानंद जी, राज घराने की बेटी थी, और यही कोसी और समस्तीपुर और कहाँ कहाँ दिया रामे नंगे पैर बेचारी चलती थी। उनका चेहरा, उनकी तस्वीरें आप लोग देख लीजिएगा तो इतनी गोरी थी वो कि धूप में लाल हो जाती थी। साहब कहते थे कि देखिए आप बीमार न पड़ जाइए। तो वो कैसे कैसे किन किन रास्तों से आगे बढ़े हैं, ये सोचिए उनका जीवन कहीं कोई तुलना नहीं है। एक तरफ उनका भव्य परिवार, एक तरफ साहब इतने बड़े पदाधिकारी, इतने बड़े पदाधिकारी के बच्चे, और नंगे पैर चल रहे हैं, जमीन पर बैठ रहे हैं, वो हमारी आपकी तरह है, हमारे आपके घर में जैसे बच्चे हैं, अपना परिवार उस तरह से है। उनका जीवन भी तो अनमोल आखरों की ही तरह है। उनके जीवन को समेट पाना हमारे बस की बात।